देश के गांव स्तर पर केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना को पंख लगाने वाले लोगों को अपने घर परिवार की चिंता सता रही है। इसका नतीजा है कि डिग्री कॉलेज धर्मशाला में CSC यानी कम्युनिटी सर्विस सेंटर संचालकों के BLA विलेज लेवल इंटरप्रेनर का दर्द झलककर सभागार में सामने आया। एक और प्रदेश भर से आए करीब 2000 BLE के लिए सम्मान समारोह चल रहा था, वहीं दूसरी ओर BLE ने अपने पेट और परिवार को पालने की चिंता व्यक्त की, क्योंकि BLE को वर्तमान में सेवाएं के बदले कोई कमीशन नहीं मिल रहा है, जबकि उस कमीशन में BLE अपनी दुकान का किराया भी नहीं निकाल पा रहे हैं। वहीं लोगों को CSC में सभी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम में नेट का खर्च, बिजली का भुगतान भी अपनी जेब से करना पड़ रहा है। सम्मान समारोह में पहुंचे BLE शशिकांत ने बताया कि सरकार से कोई जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, वे उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं, लेकिन BLE के साथ सिर्फ मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ये लोग अपने प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, साथ ही BLE को कोई इनकम नहीं है। सभी यहाँ दुखी होकर आए हैं और कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ उनकी कोई सुध भी नहीं ले रहा है। उन्होंने केंद्रीय कानून एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद से गुहार लगाई कि उनके बारे में वे सोचे नहीं तो भविष्य खतरे में है। उन्होंने कहा कि सरकार ने उनके बारे में जल्द यदि कोई निर्णय नहीं लिया तो वे आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार तक कर सकते हैं। क्या नाम है आपको और कहाँ से? शशिकांत नाम है, सुंदरनगर से है, बहर पंचायत है हमारी। तो ये BLE के साथ यहाँ मजाक हो रहा है, बुलाया है, सिर्फ अपनी प्रोडक्शन दिखा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। BLE को कोई इनकम नहीं, सभी दुखी होके आए हैं कि कोई हमारी सुनेगा, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे, ना कोई इसमें इनकम है, बस कोई कंपनी को टेंडर दे रहे हैं, कंपनी भाग रही है और कुछ नहीं इसमें प्रॉफिट हो रहा है। हम ये चाहते हैं, पहले GNG कंपनी थी, उसके ऊपर केस वगैरह भी हुआ, कंपनी छोड़ के चले गई, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। तो हम यही अनुरोध करेंगे जो सेंटर से हमारे मिनिस्टर साहब आ रहे हैं कि BLE के बारे में सोचें। 3000 की लगभग BLE काम कर रहे हैं, तो सबका भविष्य खतरे में है और अदर इनकम के कारण थोड़ा सा अपना गुजारा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और थोड़ा सा ऐसा मंथली इनकम के बारे में सोचें और इंटरनेट वगैरह कुछ 5000 के लगभग महीने का किराया बैठता है, तो इसमें कुछ भी इनकम नहीं हो पा रही है। तो हमारा ये अनुरोध है, किस तरह के प्रोडक्ट बेच रही है ये तो अपना दिखा रहे हैं, कोई पतंजलि का दिखा रहे हैं, कोई कुछ, वो तो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है। और हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकारी सर्विस हमारे द्वारा कराई जाए तो उसमें हमारे को विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो विधानसभा में हमने मुद्दा उठाया था, जब क्या लगता है बहिष्कार तो नहीं करो भाई, आइए बहिष्कार करने का सोच रहे हैं, अभी ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा कोई फायदा नहीं। ठीक है। इस बारे में जब केंद्रीय कानून एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वे लोग नाखुश होते तो रविशंकर प्रसाद के कार्यक्रम में इतनी ज्यादा तादाद में नहीं आते। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस आंदोलन को बहुत तेज गति दी है। उन्होंने कहा कि जो ये आरोप इन लोगों द्वारा लगाए गए हैं उसमें कोई बड़ा कारण ये हो सकता है कि राज्य सरकार की डिजिटल सेवा पोर्टल से लिंक नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं कर रही है, नई सरकार आएगी तो इनकी सेवाओं को भी लिंक किया जाएगा। अब देखिए, आपने किससे बात की ये पता नहीं है, अगर वो नाखुश होते तो रविशंकर जी के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में नहीं आते, तो मैं आपको डिफर करता हूँ। अब दो तीन लोगों ने किसी ने कहा होगा तो आपकी आपका विषय। मैंने मोदी जी की अगुवाई में इस आंदोलन को बहुत तेज गति दी है। उन्होंने बताया कि इन्होंने पिछले 3 साल में 1200 करोड़ रुपए कमाए, 600 करोड़ सिर्फ आधार से ही कमाए, और जो ये आरोप लगाया उसमें बहुत बड़ा कारण यह है कि राज्य सरकार की सेवा लिंक नहीं की गई है। आपने मेरा भाषण सुना होगा कि जो राज्य सरकार की डिजिटल सेवाएं हैं वो लिंक नहीं है, तो सरकार नहीं करती है, नई सरकार आएगी कर देगी, तो मैंने अपने भाषण में ही कहा, तो उनकी कमाई भी बढ़ जाएगी।